नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने सारे कंपनीज के बारे में बातचीत करता हूँ वो सारे के सारे कंपनीज के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी डिटेल्स डेटा दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको एक अंदाजा मिले कि किसी भी कंपनीज के ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए, उसको जानकारी पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ग्रीन पैनल आप देखेंगे तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका डिमांड फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ग्रीन पैनल जो ऑफ इंडस्ट्रीज है वो एक्चुअली प्लाईवुड के बिजनेस करते हैं, मतलब प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर इस कंपनी की वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो किसके ऊपर है, आप देखेंगे तो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, उसके साथ मीडियम डेंसिटी जो फाइबर बोर्ड्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एलाइड जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप अगर आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा, मतलब सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। तो कोई बात नहीं, कंपनीज के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, एकदम रिजनेबल है। तो कितना रिजनेबल है वो मैं आपको बता दूँ, कंपनी का पी रेशियो अभी कितना चल रहा है, 19 के आसपास, मतलब 19-20 के आसपास। और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है, 25 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी एकदम अंडर वैल्यूड है और ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है। तो कंपनीज में अंडर वैल्यूड होने के कारण कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हाँ जरूर। देखिए कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, कर्जा ना के बराबर है, कम है, ना के बराबर नहीं कहूंगा कम है। इनकम भी कंपनी ने अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहाँ पे भी कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा सा इस बार कम हुआ, और एक्सपेंस भी कंपनी ने कुछ ज़्यादा किया। इसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 78 करोड़ से बन चुके 37 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, कंपनी के एक्सपेंस कंपनी मेंटेन्स किए, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना नेट प्रॉफिट अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। तो कंपनी बहुत छोटा है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना पड़ेगा, तभी उस कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं ग्रीन पैनल के ऊपर बहुत बुलिश हूँ दो कारण के वजह से। पहले तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है, सिर्फ करंट टाइम में कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट डाउन है, बाकी देखिए प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा है। मतलब कंपनी सेल्स कम करने के बाद भी प्रॉफिट को कितना शानदार मेंटेन्स कर रहा है। और इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। कर्जा भी बढ़ा, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, प्रीवियस जो कर्जा था उससे कंपनी कर्जा कम लेना स्टार्ट किया। इसका मतलब कंपनी कोशिश कर रही है खुद के जो कर्जा है उसको जीरो में ले आने के लिए। तो जीरो डेब्ट रहेगा तो कोई मतलब कोई चिंता ही नहीं रहेगा, खुद के पैसे में काम करेंगे तो कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो कंपनी को चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट्स है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो में कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला, तो पॉजिटिवली नजरिया आप देखने को मिला है। उसके साथ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर एफआईएस डीएस इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नजरिया इस तरीके से देखने को मिला है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 53 के आसपास है, और कंपनी के डीएस के ऊपर होल्डिंग है, एफआईएस के पास, पब्लिक के पास, हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनीज के बारे में जो नजरिया था वो नजरिया कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बता है वो मैं आपको बात करूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ अभी डाउन साइड ट्रेंड में है, क्योंकि देखिए इस तरीके से डाउन साइड होने के पीछे कारण भी है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर जब लॉन्ग जर्नी करके कोई लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पे ऊपर साइड में चला गया, इसका मतलब ये जो लॉन्ग जर्नी हुआ कि आपको क्या लग रहा है कि ये पब्लिक ने लेके गया, क्योंकि कोविड के टाइम में इसका कंपनी का प्राइस कितना था, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 27 रुपीज के आसपास, और 27 रुपीज से कंपनी का जर्नी कहाँ तक हुआ, और उसको मैं अगर मार्किंग कर दूँ तो कंपनी आपको कितना रिटर्न दिया, करीबन 24 टाइम्स। सोचिए 24 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया, तो कितना बड़ा मल्टीपल का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो धमाका रिटर्न आपको कंपनी के दे चुके हैं, तो क्या फिर से उस तरीके से रिटर्न देने के लिए कैपेबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर? देखिए फिर से रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ये गेम मुझे लग रहा है टोटली ऑपरेटर गेम है। क्योंकि देखिए वही रेंज को वो रिटेस्ट किया जिस रेंज को कंपनी यहाँ पे होल्ड करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखा।
तो वही रेंज को देखिए फिर से रिटेस्ट किया, यहाँ पे टाइम बिताया, उसके बाद जो रेजिस्टेंस इसका फेस हो रहा था उस रेजिस्टेंस को कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ा और उसके बाद देखिए अपर साइड में जाने किया। तो मैं पहले ही भी आपको बोल चुका हूँ, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो मैं इसके ऊपर कभी भी एंट्री नहीं लेता, चाहे वो कुछ भी कैंडल बने। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बना और उसके बाद देखिए मुझे एक रिट्रेसमेंट एंट्री चाहिए था। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके अगर रीबैक करता तो मैं एंट्री लेता और मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहता, सेकंड टारगेट यहाँ पे 397 तक मेरा सेकंड टारगेट रहता। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा रैली मुझे दिखेगा और मैं इस टारगेट को लेकर चलूंगा और वो टारगेट रहेगा 508 रुपीज के आसपास। तो मैं इसके इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ सप्लाई जोन भी है। तो ये लेवल्स को ब्रेकआउट करने दीजिए, तभी मैं आपके साथ एक स्ट्रांगली टेक्निकली चार्ट पैटर्न शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो नाम में कंपनी का लक्ष्मी है। कंपनी देखा जाए तो टाइप ऑफ कंपनी एक लक्ष्मी ही है क्योंकि कंपनी में खासियत और सब कुछ है। कंपनी की आज हालत खराब हुआ है सिर्फ एक ही वजह से, कंपनी का सेक्टर देख लीजिए स्पेशलिटी केमिकल। अब आपको मैं जितने सारे वीडियो बना के दे रहा हूँ केमिकल्स कंपनी के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर आप वॉच करना। जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है वो सारे कंपनीज के ऊपर आज लगातार लगातार गिरावट हो रहा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। आप कहेंगे सर स्पेशलिटी केमिकल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आप कभी खुद ही देख लीजिए स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ कहाँ, आदि सब्स में, मतलब जो ग्लू गाम बनाया जाता है जैसे पीडीलाइट बनाते हैं, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ क्लीनिंग जो मटेरियल्स है उसके ऊपर, कलर्स के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो मतलब कॉस्मेटिक्स, साथ ही साथ जो फ्लोरोकेमिकल्स है जो फूड फूड्स के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ टेक्सटाइल्स है, तो पॉलीमर्स है, पेंट्स है, लुब्रिकेंट है, तो जो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशलिटी केमिकल यूज़ किया जाता है उसका एक लिस्ट मैं आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको पता चले स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड क्यों कम हुआ। क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में आज क्राइसिस चल रहा है, आज ये जितने सारे प्रोडक्ट्स है इसका डिमांड कम हुआ है। इस डिमांड कम होने के कारण जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं उसका भी डिमांड कम हो गया। मान के चलिए जिस कंपनी में इकोनॉमिकली क्राइसिस है, क्या वो मतलब देखा जाए तो ग्लू गम ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्या वो कलर्स यूज़ करेंगे, क्या वो पेंट्स करेंगे घर में, क्या वो और टेक्सटाइल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्या वो देखा जाए तो जो कॉस्मेटिक्स है वो यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर प्रेशर बना। तो जब इकोनॉमिकली क्राइसिस खत्म हो जाएगा फिर से यूरोप कंट्रीज, यूरोप इस यूएस कंट्रीज जब तेजी से ग्रोथ ग्रोथ करेगा तो उसका एक नज़रिया इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर मैं ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी पी रेशियो बहुत हाई है, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन करीबन 100 के ऊपर, आज कंपनी का 70 के 72 के आसपास पी रेशियो है, मगर कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 41 है। इसका मतलब कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है, मेरे हिसाब से और भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली और भी करेक्शन होगा क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो बने हुए हैं और भी पी रेशियो हाई होने के कारण और भी करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो लगातार नेट प्रॉफिट को कंपनी कंट्रोल में रखा। तो 200-250 करोड़ से कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट को कम कर दिया। नेट प्रॉफिट कम होने के पीछे एक ही कारण है, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में डिस्कशन करूँ, देखिए कंपनी हायर लेवल से किस तरीके से गिरा और कहाँ तक आ पहुँचा। जिस लेवल को कंपनी मार्किंग में करके रखा हो वो दो लेवल्स में आपको मार्किंग करके इसलिए रखा हो क्योंकि वो दो लेवल को तोड़ने के बाद मतलब ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए रुका ही नहीं, कंटिन्यूसली कंपनी जर्नी दिखाया। कंपनी अगर इस लेवल से या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी आपको 130% के आसपास रिटर्न दिया, तो इसका मतलब 1% मतलब आपको फंड डबल कर चुके थे। तो फिर से देखिए कंपनी का इस तरीके से करेक्शन होना तो ये तो लाजमी था, और क्यों इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे दो कारण है। जो ऑपरेटर इसको ऊपर लेके गए थे तो वो फिर से इसी लेवल में माल खरीदारी करेंगे, तो उसके बाद अगर माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हुआ तो फिर से वो ऊपर लेके जाएंगे। तो इसलिए कंपनी में अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो इस तरीके से डिसीजन जरूर लेना। तो फिलहाल के लिए जो एंट्री लेवल्स कंपनी के ऊपर बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ देखने को मिला, तो वो सेल ऑफ जो है वो एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था,
और 2 दिन पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मगर वो जो ब्रेक है वो हाई वॉल्यूम के साथ है, मगर अभी भी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए है। इस रेंज को जब तक ना ब्रेकआउट करेगा तब तक मैं कुछ डिसीजन नहीं लूंगा। ऊपर साइड में 200 डेज ईएमए भी है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि 200 डेज ईएमए बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको रिटेस्ट करने के बाद करेक्शन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डिक्सन, सॉरी दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका भी प्रोडक्ट आप देखेंगे तो कंपनी देखिए किसके ऊपर काम करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये सारे कंपनी के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं उसका डिमांड मार्केट में कम हुआ है, और डिमांड कम होने के चलते है कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अभी दीपक नाइट्रेट का क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, दीपक इज प्लानिंग टू डबल इट्स रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स बाय द इन्वेस्टिंग इन डाउन स्ट्रीम ऑफ दीपक नाइट्रेट एंड जो कंपनी से उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। मतलब कंपनी टारगेट रखे अपकमिंग 4 ईयर्स में, अपकमिंग 4 ईयर्स के कंपनी खुद का जो बिजनेस है उसको डबल करने वाला है। तो डबल करने के लिए कंपनी को तो बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत काम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दीपक नाइट्रेट का जो प्लस पॉइंट है, कंपनी के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। मतलब 1 रुपया का मतलब है कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, छोटा मोटा कर्जा है, जो कर्जा आज ही अभी बोले तो अभी भी वो पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी में एक इस तरीके से बातचीत मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से सोचना चाहिए। जब कंपनी के पास कर्जा नहीं होता, जब कंपनी का मार्केट में डिमांड आज कम है कल जाकर जरूर बढ़ेंगे, तो तब उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ हो सकता है। देखिए आप देखेंगे तो पॉली जो कार्बोनेट है, तो पॉली कार्बोनेट जो जो फैसिलिटीज है, तो टू बी कमिंग मतलब कमीशन ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ टू एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंपनी जो पॉली कार्बोनेट है उस प्रोडक्ट के ऊपर 18 मंथ में कंपनी खुद को बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है। तो कंपनी खुद के देखिए कैपेक्स भी बढ़ाने वाला है। कंपनी 2024 से 2025 तक कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी खुद का जो कैपेक्स है वो कैपेक्स को प्लानिंग कर रहा है वो कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैपेक्स बढ़ेगा मतलब कंपनी की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, अभी देखना है कंपनी किस तरीके से काम करता है। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को कंपनी इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और मैं इंतजार कर रहा था कभी भी रिट्रेसमेंट करे तो मैं एंटी लूंगा। तो एंटी में इस कैंडल के ऊपर लिया क्योंकि इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया। तो उसके बाद मैंने टारगेट रखा था इस लेवल तक 2263 के आसपास, तो ऑब्वियसली टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद देखिए बिग प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है, तो मैं ऑब्वियसली इस लेवल को मार्किंग करके रखा हूँ, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर चुके हैं, तो मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट फिर से यहाँ तक रहेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। मेरे कहने में कोई भी बाय सेल मत करना, मेरे कहने में सारे चीज को सीखना, जानकारी लेना, उसके बाद काम करना। तो रही बात नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में, तो उसका नाम आप देखेंगे तो मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी बहुत छोटा है, पहली बार 35 करोड़ के आसपास है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस करता गया, लास्ट ईयर में कंपनी प्रॉफिट किए, तो इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से स्प्लिट दिया, 1 के बदले 10 शेयर कंपनी स्प्लिट के हिसाब से दिया, और जो डेट भी मेंशन किया 11 तारीख को, तो 11 अगस्त में कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से लेंगे वो आपके हाथ में है। मेरा काम था आपको जानकारी देना, आपका काम है सारी जानकारी को वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।